नेशनल कन्वेंशन की बैठक जो है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो गई। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर जो ट्रेडिशनल डांस हो रहा है उसके माध्यम से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी सही कटआउट लगाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कटआउट वो यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डेलीगेट्स के जाने के लिए जो गेट तैयार किया गया है वहां पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जो उपलब्धियां अचीवमेंट्स में हासिल की गई थी उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, चाहे वो तेजस हो या फिर अगर हम देखें वंदे भारत हो या फिर महिलाओं का जिस तरह से विकास हुआ हो, सेनाओं में महिलाओं का जिस तरह से शामिल किया गया हो, जिस तरह से अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की गई हो, जिस तरह से खेल के क्षेत्र में वहां उपलब्धि हासिल की गई हो, तो सभी को दर्शाता हुआ यहाँ पर होर्डिंग जो है, कटआउट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर के भी यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। जो विभिन्न होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें इसे भी दर्शाया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 को लेकर के ये तैयारी जो है वो की जा रही है। इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को लक्ष्य रखा था, 400 सीटों का लक्ष्य जो है वो एनडीए के लिए रखा था और 370 बीजेपी के लिए रखा था, इसको लेकर के यहाँ पर मंथन किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो प्रस्ताव जो है वो पूरे जो दो दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा उसमें दो प्रस्ताव जो है वो लाए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि एक प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और बीजेपी जो है वो अधिक से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल करे, इसकी चर्चा की जाएगी। और दूसरा जो प्रस्ताव होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल में जो उपलब्धियां हासिल की गई, चाहे वो आर्थिक उपलब्धि हो, सामाजिक उपलब्धि हो, आर्थिक उपलब्धियों में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो देश है वो पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, सामाजिक अर्थ उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो ट्रिपल तलाक से महिलाओं को छूट दी गई, उस कुरूति से छूट दिलवाई गई। अगर हम सांस्कृतिक की बात करें, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तो हुआ था उसको लेकर के इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर दो दिवसीय जो राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है, नेशनल कन्वेंशन का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश भर के लगभग 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और मुख्य लक्ष्य जो होगा 2024 का जो किला है वो किस तरह से बेहतर तरीके से फतह किया जा सके, 400 का और 370 का जो लक्ष्य रखा गया है उसे किस तरह से हासिल किया जा सके। हालांकि लोकसभा कैंडिडेट्स को लेकर के जो फाइनल किया जाता है वो बीजेपी की जब पार्लियामेंट्री बोर्ड या फिर हम कहें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसमें होता है, लेकिन निश्चित तौर पर दिशा जो है वो निर्धारित कर दी जाएगी कि सभी कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से किस नाम को लेकर के आगे बढ़ा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ साथ जो 10 साल की उनकी उपलब्धियां हैं, कामकाज हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह से जहां पर बीजेपी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो लगातार यह कहते रहे कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें जो है वो अब नहीं होती है बल्कि प्रो कम्बेंसी की बात जो है वो लगातार कहते रहते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि 2014 से अधिक सीटें 2019 में मिली थी, उसी तरह बीजेपी की यह कोशिश रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी कि 2019 से अधिक सीट जो है वो 2024 में जीते में हासिल की जाए। इसको लेकर के जो टारगेट है या इसको लेकर के रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी और जो लगभग 11,500 कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे उन्हें संदेश दिया जाएगा।